पहले ब्लॉग में हम कुचबिहार से कौन सा रूट से शिटोंग और अहोलदरा पहुंचे वो दिखाए थे, प्लस अहोलदरा से 60 डिग्री व्यू पॉइंट का वीडियो भी आप लोगों से शेयर किए थे। बट इस ब्लॉग पे हम आपको ले चलेंगे लटपंचर, ऑरेंज गार्डन और हॉर्नबिल पॉइंट पे। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट साथियों। तो गाइस, आज हम लोग अतुल का सेकंड डे है और अभी बज रहा है सुबह 6 बजे। अभी तुरंत चाय पी के हम लोग निकल पड़ेंगे लटपंचर की तरफ। लटपंचर अकेला ही जाएंगे क्योंकि मेरा दोस्त का जो पैर में थोड़ा दर्द कर रहा है। रास्ते में हम ऑरेंज का पेड़ देख के रुक गए क्योंकि यहाँ पर घर घर में ऑरेंज का पेड़ है। मेरा पीछे देख सकते हैं, ये ऑरेंज गार्डन है, बहुत सारा पेड़ है। ऑरेंज गार्डन का एंट्री फी नहीं है, 50 रुपीज पर हेड है एंट्री टिकट। आप टिकट खरीद के तो गार्डन के अंदर जा सकते हैं, मगर कोई पेड़ से आप ऑरेंज नहीं निकल सकते क्योंकि ऑरेंज यहाँ पर अलग से दिखता है और आपको खरीद के ही लेना पड़ेगा। यहाँ का ऑरेंज का साइज छोटा छोटा है और हम पूछे थे इसका मतलब प्राइस के बारे में, तो 20 से 25 ऑरेंज छोटा छोटा साइज का 100 रुपये में बिकता है। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो इससे कम भी मिल सकता है। अभी हम हैं लटपंचर का रास्ता पे, थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर रुक गए। अहोलदरा व्यू पॉइंट से लटपंचर का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और अभी हम हैं लटपंचर और अहोलदरा का एकदम मीडियो पे और यहाँ से सीधा लटपंचर टाउन दिख रहा है, उस टाउन पे हम जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए लटपंचर, ये है लटपंचर मोर। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति देख के आप याद रख सकते हैं ये मोर का। मेरे पीछे है लटपंचर मॉनेस्ट्री, वो अभी बंद है। व्हाट इज योर नेम? इसी मोर पे एक SBI कस्टमर सर्विस पॉइंट है और लेफ्ट साइड में जो रास्ता दिख रहा है ना, वो हॉर्नबिल पॉइंट की तरफ जा रहा है, वहां पर ही हम अभी जाएंगे। लटपंचर का सबसे पॉपुलर जगह हॉर्नबिल व्यू पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारा फोटोग्राफर आते हैं हॉर्नबिल कैप्चर करने के लिए। आई आई, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। नीचे में एक पेड़ है, एक पेड़ नहीं बहुत सारा पेड़ है जहाँ पर हॉर्नबिल आता है। चलिए आप देख सकते हैं कितना सारा फोटोग्राफर यहाँ पर सुबह से बैठा हुआ है हॉर्नबिल के लिए। इन लोगों ने यही बताया, ये जो पेड़ दिखता है ना, इस पेड़ में ही ज़्यादातर समय हॉर्नबिल आता है।
लतपंचर घूमना हो गया, मेरा फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रहा है रिसोर्ट पे, अभी हम रिसोर्ट की तरफ ही जाएंगे। जो रिसोर्ट है वो चेकआउट करने वाला है, तो है अनुज मालिक का बेटा। आज ये जो ऑनर अनुज हम लोग को दिया होटल की तरफ से, ये बहुत खुशी का बात है। तो ऑडियंस के लिए यही बोलेंगे, ये जो नेचुरल लवर जो होम स्टे या रिसोर्ट होटल जो भी आप लोग बोलते हैं, यहाँ पर जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। हेलो सर, माय नेम इज अनुज। दो सर कल गेस्ट आए थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी जरूर आइएगा हम नेचर लवर होम स्टे में, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे। लोग चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं घर, कुछ वैसे तरफ।